यारो, अभी अपने तीनों यार चेड़ा प्राप्त मेहता साहब और हाथी भाई वो तीनों भी पार्टी शार्टी में आगे चार चांद लगाने वाले हैं। मेरे भाई थैंक यू, तू आज मुझे यार पार्टी शार्टी के लिए लेकर आया। ओए दोस्त, अभी तो रात बाकी है। हाँ, पर अब मजा आने वाला है और मजे होंगे। बल्ले बल्ले जी, लगता है और बोतलें खोलनी पड़ेंगी। वो खोलेंगे ही खोलेंगे, अपने पास बोतलें इतनी सारी पड़ी हुई है। ओ जीते, ओ तू 5 साल के बाद आया, बड़ा मजा आया। थोड़ा जल्दी जल्दी आकर ऐसे ही मिलकर मजे करते रहेंगे। हाँ और जीते, एक गाल सुन। सुना? वो अपना पप्पू है ना, ओ यार इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल कैनेडियन कुड़ी लबना। पोपटलाल, तुम अभी तक कब आ रहे हो? अभी तक ऊपर वाले ने सबकी जोड़ियां बनाई, लेकिन जब मेरी जोड़ी बनाने की बात आई तो वो छुट्टी पे चले गए। अभी तक छुट्टी से वापस नहीं आए। वो जब वापस आएंगे तो शादी हो जाएगी। ओ कोई बात नहीं पाजी, हम ऊपर वाले को फिर से याद दिला देंगे और मैं ढूंढूंगा आपके लिए कनाडा में लड़की। पक्का? थैंक यू। बहुत दूर है। क्या कम किस तरह पे आया हो यहाँ पर? फर्स्ट फ्लोर पे, इधर ही फर्स्ट फ्लोर पे आई। मुझे तो रोशन नहीं खैर नटी। चाचा जी यही फ्लैट है। हाँ जेठिया, तू हाथी आ जा, अंदर आ जा, जैसे तय किया था हम लोगों ने, तुम तीनों अंदर जा। बाबूजी बोलता हूँ उतना कर। बरदारो जेठिया, मैं तुम हाथी अंदर, किसी को भी पता चला ना कि हम लोग यहाँ बाहर खड़े, तू देख ले। नहीं नहीं, हम क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे नहीं। चलो हम लोग आ जाओ। ओए चलो ब्रह्म मेहता साहब, हाथी भाई आ जाओ आ जाओ, पार्टी शार्टी आप लोगों का इंतजार कर रही है। मेरा इंजेक्शन दो। ओ यारो, ओ जिनकी बदौलत आज की पार्टी शादी हो पा रही है वो मेरे दोस्त आ गए। स्वागतम है, खैर मकदम और वेलकम आप सबका। जी वेलकम है जी, वेलकम। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ रोशन के पार्टी शादी किसे कहते हैं। अरे आयो, वेलकम वेलकम यशराज मेहता। हेलो। दोस्तों, मेरी शादी पक्की हो गई। ये देखो, ये गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कनाडा वाली लड़की से। ओ हो, ये साहब तो परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए। कितने टन टन हो गए। आओ जी आओ, गले मिलो। गले नहीं, मैं तो जेठा प्रादे पैरी पौड़ा कर रहा हूँ। जेठा प्रादे देखा देखा चाचा जी, जेठा लाल का कारनामा असलियत कहता बाहर आ रहा है। नहीं नहीं सरदार जी, नहीं। अरे अरे छोटे भाई, समझ समझ बल्लू। और छोटी प्राद जेठा पाजी ने क्या मस्त काम किया है। ओ गोकुल धाम में कैसे सब बोल लूं। वान जी, ओ जेड़ा प्रा के आइडिया की वजह से तो हम लोग पार्टी शार्टी कर पा रहे हैं। थैंक यू जेड़ा प्रा। चाचा जी नहीं नहीं, शांति रखिए, आगे सुनी तो सही क्या क्या बोलते हैं, रंगे हाथों पकड़ना है ना उनको। ओ यारो, ओ मैंने मस्त नाटक किया पेट दर्द का।
और इसी की वजह से तो मैं यहाँ पे पार्टी शार्टी करने आ पाया और मस्त एक्टिंग की ना मैंने, और तुसी तो एवं डर रही थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं नहीं पकड़ा गया। छोटी अभी जो हो गया अभी, वो बार बार बोलने से क्या फायदा, छोड़ ना भाई, ठंड रख भाई, ठंड रख। और ठंड की रखनी है, अभी तो गर्मी आएगी, खूब मस्तियाँ होंगी, पार्टी शार्टी होगी, क्यों यार। ओ हाँ जी हाँ जी, छोड़ी छोड़ी तो शांत हो जा और बैठ जा। नहीं नहीं कोई नहीं बैठेगा, सब डांस करेंगे आज तो, नाचेंगे नाचेंगे, चिक्की डिंकी चिक्की डिंकी चिक्की। जेठा ब्रा, वो पता है बीच में प्रॉब्लम हो गया था, पिडू का फोन आया था, वो पोपू को खीर खाने के लिए अपने घर पे बुला रहा था। और मैंने उल्लू को भिड़े बना, भिड़े को उल्लू बना दिया। अरे सुनने से आगे क्या क्या निकलता है, सुनने तो दे। मैंने बोला मैं सोड़ी के घर काजू बादाम खा रहा हूँ। तू ये समोर तेरे सारे काजू बादाम आज नहीं निकाल जाना तो मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े थे। काजू बादाम खा के मैं सो जाऊंगा। शांत शांत हो जा पोपटलाल, शांत। और मिलकर धमाल मस्ती करते हैं, चखो अपने अपने। ओहो ग्लास है ही नहीं, मैं ला गया ग्लास। सोड़ी सोड़ी बस कर बस कर, बस नहीं बस नहीं, प्लेन प्लेन करेंगे। किधर है प्लेन, प्लेन प्लेन तैयार है, मेरी बारात प्लेन में कनेरा जाएगी। आ जाओ सब पीछे आ जाओ प्लेन में, चलो। क्या बोल रहा है ये, विमान उड़ा ले हवे। अरे शांत हो जा पोपटलाल, शांत हो जा। ओ यारो एक गल बताना तो भूल ही गया, उसके बाद रोशन डार्लिंग का फोन आया था। ओ जेठा पाजी, ओ सोटी ने तो रोशन भाभी को भी उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया, अभी मजा चकाते तुझे रोशन। रोशन भाभी, रोशन भाभी अभी पहले सुनते जाओ आगे क्या क्या बोल रहे हैं। वो रोशन डार्लिंग पूछ रही थी तू कहाँ है, और मैंने कहा मैं घर पे हूँ, और मैंने बोला कि बहुत पेट दर्द हो रहा था मेरे को, वो रोशन डार्लिंग मान गई। शर्म बड़ी पोली है मेरी रोशन डार्लिंग। और आतिफ भाई, ओ आप तो कमाल ही कर देते हो यार, मैंने रोशन डार्लिंग को बोला आतिफ भाई ने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया है। तुझे तो इंजेक्शन ना दे के भी इंजेक्शन दे सकते हो। So shameful Hans. ओ यारो, रोशन डार्लिंग तो उद्वारा में है, और उसको लग रहा मैं घर पे सो रहा हूँ। देखो यारो, तुम्हारे लिए स्पेशली पार्टी शार्टी करने आया हूँ। ओए इसे तो कहते हैं अपनी जिगरी यारी। अरे छोड़ी बोलू नको बाबा, बोलू नको। मैंने बोला ना जो हो गया है उसको फिर से दोहराने का क्या फायदा, मत बोल वो सब वापस। बीत गया सो बीत गया। जेठा प्रा, और तुसी कब से बोलने से मना कर रहे हो, क्यों, और इतने कौन सुनने वाले। और पूरा गोकुलधाम सोसाइटी ये सोच रहा है कि पोपू और मैं घर पे सो रहे हैं, पर हम लोग तो यहाँ पे अपने यारों के लिए पार्टी शार्टी कर रहे हैं। वो किसी को कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं है ना, अभी बताती हूँ। चोले सोनिहाल, ओए ये किसकी आवाज है, ये तो मेरी रोशन डार्लिंग की आवाज है। ओए सोडी तेनू चढ़ गई है। और रोशन भाभी की आवाज यहाँ कितने आएगी।
माधवी, घर का पनीर मटर छोड़ के ये बाहर का पनीर खा रहा है यहाँ पे। ओ पाजी, ये भी घर का ही बना हुआ है। रोशन डाले, तू इतने, तू तो दोबारा गई थी ना। जैसे तू अपने घर में है ना, वैसे ही मैं उडवारा में हूँ। हाँ जेठा प्रा, तुम इन सबको साथ में लेके आए हो? नहीं 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 छोटी, मैं इनको साथ में लेके नहीं आया हूँ, ये मुझे साथ में लेके आए हैं। हमें हमें चाचा जी, मेरे बाजू में बैठी आप सब भी, आप मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। वेलकम वेलकम, आ गए सब, बाराती आ गए, फ्लाइट तैयार है, कनाडा जा रही है, आप लोग भी आ जाओ, बैठ जाओ फ्लाइट में, बैठ जाओ। ये बल्लू और जीते मेरे लिए कनाडा की लड़की ढूंढने वाले हैं। ए चुप रे पवनिया, चुप रे। ओके ओके, लिप्स ऑन द फिंगर, चुप रे भाई। ये दोनों तो वही है ना जो हमारे घर पे सोडी भाई से पैसे लेने आए थे। पैसे ऐसे कुछ नहीं लेने आए थे, हम तो अपने यार सोडी को लेने आए थे। ओ हाँ जी, हमें लगा सोडी पेट दर्द का बहाना कर रहा है, हम तो पार्टी शार्टी के लिए लेने आए थे। अच्छा मतलब तुम ही बार बार सोडी को फोन कर रहे थे ना? हाँ जी कर रहे थे। और जेठालाल, तुम इनको पैसे लेने आए हैं ये बहाना बनाकर घर से बाहर लेकर गए थे ना? वाह 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 वाह, क्या नाटक किया था तुमने, तुम एक नाटक कंपनी क्यों नहीं खोल देते जेठालाल? ए जेठिया, नाटक किया और कितने नाटक किए तूने? बस ये आखिरी वाला था बापूजी, आखिरी वाला, सॉरी माफ कर दीजिए प्लीज। चाचा जी, अब जेठा भाई को कुछ मत बोलिए, ये सब रोशन का क्या ढहरा है? नहीं 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 सोनी, रोशन तू तो कुछ बोल ही मत, ये सब तेरी वजह से हुआ है और आखी गलती तारी छे, तूने ही सबको पार्टी शार्टी के लिए उकसाया होगा। अरे हालत जो बेचारा पोपट भाई ने जो नहीं सुनिए, वैसा कुछ नहीं है। चुप, झूठ बोलता है, नाटक करता है, अभी निकाल दूं तेरा ये नाटक। तूने हम सबको उल्लू बनाया, अब देख मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। आज तो तेरे और तेरे दोस्तों की खैर नहीं। अरे रोशन रोशन, तेरे छोड़ी सोनी को क्यों मार रहे हो? पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? डैन किसका है? अरे भाई तू चुपचाप बैठ जा उधर। रोशन भाभी, रोशन दरवाजा खोल, बंद कर। रोशन डार्लिंग, मेरी गलत सुन प्लीज। रोशन मुझे कुछ नहीं सुना, दरवाजा खोलने के मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ऊपर जाएगी और दरवाजा टूट गया तो मेरा बहुत खर्चा आ जाएगा। अच्छा, और तुम लोगों की हड्डियां टूटेंगी तो कितना खर्चा आएगा ये सोचा? रोशन दरवाजा खोल। सुनिए प्लीज, मेरी गल सुनना, मेरी गल नु समझ। सोडी,
तेरी वजह से हम दोनों को मार पड़ रही है। हाँ। तो खा लो ना थोड़ी मार है। और इसका क्या मतलब है कि मेरी वजह से मार पड़ रही है? तुम दोनों के वजह से मैं पूछ गया हूं। रोशन डार्लिंग, अपना गुस्सा इस दरवाजे पे निकालना बंद कर यार। मेरी एक बार गल ध्यान नाल सुन ले यार। उसके बाद भी तेरे को लगेगा कि अगर मेरा कसूर है तो फिर तेरे को जितना मेरे को मारना हो, जो सजा देनी हो दे देना। अच्छा, प्लस एक बार मेरी गाल सुन ले, आज मेरा सच में कोई कसूर नहीं है। वाह 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 वाह, अबो अबो, पूरी सोसाइटी को उल्लू बना के यहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे हो और बोल रहे हो कि कसूर नहीं है। ए सोड़ी, तेरा कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? चाचा जी, सिचुएशन का कसूर है। मेहता साहब, हाथी भाई, और तुम तीनों को तो पता ना कि मैं कैसे फंसा हुआ था, तो तुसी तीनों दसो ना सबको। अरे विरिते के विरिते फंसा था कि पार्टी शार्टी करनी पड़ी। रोशन बहाना मत बना। अरे सोनिया, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, और जो सच में सच है वही बोल रहा हूँ यार। और तुम दोनों भी बोलो ना। भाभी, तुम्हारा नहीं सुन रही तो हमारा क्या सुनेगी? रोशन, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगी। थोड़ा सुनियो। नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। पहले मेरी एक बार गाल सुन ले प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बाहर निकल। रोशन भाभी, आप ना एक मिनट के लिए शांत हो जाइए और एक बार हम लोग सोनी भाई की बात सुन लेते ना, उसमें क्या है। हाँ हाँ रोशन भाभी, प्लीज सुन तो लीजिए छोटी को क्या कहना है। ए, ये क्या? तू चुप रह। रोशन भाभी, मैं मानती हूँ कि सोड़ी भाई की गलती है, पर फिर भी उनको अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए, उनको हक है। अंजलि भाभी, बबीता, आप लोग बहुत भोले हो। एक बार बात सुनी लीजिए ना, एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि वो सोड़ी भाई बोलना क्या चाहते हैं। हाँ हाँ रोशन डार्लिंग, ओ यार मेरे को मेरी बात रखने का हक है। हक की बात कर रहे, बोलो। देखो बस, देखिए, सबको अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। ओ पटलाल, तुम चुपचाप बैठे रहो। भिड़े, तू मुझे बिठा सकता है लेकिन मेरी आवाज को नहीं। गुनहगार भी कानून को सजा सुनाने से पहले अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका देता है। ओ पपड़लाल, गुनहगार कानून को मौका नहीं देता, कानून गुनहगार को मौका देता है। ऐसा होता है? ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं पोपट भाऊजी? ये पोपट भाऊजी नहीं बोल रहे हैं, पोपट भाऊजी के अंदर जो लिक्विड गया है ना, वो बोल रहा है। अरे तुम सब लोग इसके साथ चर्चा करना बंद करो, छोड़ी तू बाहर आ। हाँ सॉरी चाचा जी, मैं से बाहर नहीं आऊंगा। आप पहले रोशन डार्लिंग को बोलो कि हॉकी स्टिक साइड में रखे, फिर मेरी गाल सुने, मैं तभी बाहर आऊंगा। रोशन बेटा, एक काम कर, उसकी बात सुन ले। बापूजी, मैंने भी तो यही बोला था लेकिन आपने मुझे चुप करा दिया। हाँ तो तू तो अभी भी चुप ही है। देख रोशन बेटा, उसकी बात सुन ले, फिर हम भी यही है, वो भी यही है, भाग के जाएगा क्या? सिर्फ एक बार मेरी गाल सुन ले और फिर भी तुझे लगे कि मैं कसूरवार हूं तो हॉकी उतना ही है, जिन्ना मानो मैनू मारना, पर एक बार गाल सुन ले मेरी, एक बार। ठीक है, बाहर आ जा, मैं हॉकी स्टिक बाजू में रखती हूँ। लेकिन हाँ खबरदार, अगर तेरी बात गलत निकली ना तो मैं तुरंत मायके चले जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मायके ना जाए प्लीज रोशन। जेठालाल, क्या 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 जेठालाल, देख लिया अपने थर्ड क्लास आईडिया का नतीजा? तुम्हारे थर्ड क्लास आईडिया की वजह से रोशन भाभी मायके चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे
क्या चाहते हैं आप? सच में रोशन दादी और छोटी की इकट्ठी हो जाए? अरे मैं क्यों चाहूंगा? तुम्हारे शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, और कुछ मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। ए जय जय तुम्हें शुभ। ओके। अरे छोटी ना बाहर है तू। मित्रों, आप सभी ने तूफान से पहले की शांति का कभी ना कभी अनुभव जरूर किया होगा, लेकिन इस वक्त मैं, जेठालाल और डॉक्टर हाथी जिस शांति का अनुभव कर रहे हैं वो बताना बड़ा मुश्किल है कि ये तूफान के पहले की है, तूफान के बाद की है, तूफान के बीच की शांति, क्योंकि ये पार्टी शार्टी और जेठालाल ने जो सोढ़ी के पेट दर्द का नाटक दिया है, उस आइडिया का जो घमासान यहाँ मचा है वो अभी तक था भी नहीं है कि एक नए भावनाओं के भूकंप की तैयारी है। जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब तो रोशन भाभी और सोढ़ी बिल्कुल आमने सामने, अब क्या होने वाला है, क्या कहेगा सोढ़ी, और सोढ़ी जो कहेगा उसी पे निर्भर है कि हमारी धुलाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि सोढ़ी कहेगा उसके बाद क्या हाल होगा, अंजलि मेरा क्या हाल करेगी, और कोमल भाभी हाथी भाई के साथ क्या रवैया अपनाएंगी, और सबसे बड़ी बात चंपक चाचा जेठालाल का क्या हाल करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे, सोढ़ी क्या कहने वाला है, और ये तूफान कहां जाके थमता है, कहीं जाके थमे आपके घरों में होगा ठाकुर का तूफान जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जो बोलना है जल्दी बोल। बोलता हूँ सोनिए, बोलता हूँ, जो पार्टी शार्टी हो रही है ना, इसकी वजह मैं नहीं बल्लू और जीते हैं। और तू ये पार्टी शार्टी का मटका ना हमारे सर पे मत फोड़। ओए जो सच है मैं वही बोल रहा हूं। सुनिए, आज जो कुछ भी हो रहा है ना वो इन दोनों की वजह से हो रहा है। मैं बिल्कुल 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 भी पार्टी शार्टी नहीं करना चाहता था। अरे जेठा ब्रा, वानू तो सब पता है ना, तुसी दसो ना। हाँ नहीं, रसन बब्बी छोटी बराबर बोल रहा है, वो तो भीड़े के घर पे खाना खाने के लिए बहुत उत्साहित था। अरे हाँ सुनिए, मैं तो उल्टा बहुत खुश था कि आज रात को पीड़ू के घर जाऊंगा और वहां पे माधवी भाई के हाथ का खाना खाऊंगा, मटर पनीर राजमा चावल। हाँ पीड़ू, मैं तो बहुत उत्साहित था। अरे साथ में जेठा प्रा और चाचा जी भी आ रहे हैं, मैंने सोचा था कि बहुत मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा, और सोनिया मैंने तेरे को बताया भी था, और तभी अचानक गैरेज पे बल्लू और जीते आ गए। सोनिए, बल्लू और जीते को मैं 5 साल बाद मिल रहा था, और जीते तो कल ही कनाडा से आया था और कल वापस कनाडा भी जा रहा था। दोस्तों की मिलने की खुशी तो बहुत बढ़िया होती है ना मेहता साहब? ये बात तो सोढ़ी की बिल्कुल सही है भाई, पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी तो बहुत बड़ी होती है। बोल बोल सोढ़ी, आगे बोल। फिर जब दोस्त साथ में बैठते हैं तो पुरानी यादें ताजा करते हैं। अरे हमने कितनी बातें की, कितना मजा आया हम लोगों को, और फिर इन्होंने मुझसे पार्टी शार्टी की बात की, पर मैंने इनको मना कर दिया, इमीडिएटली मना किया कि मैं कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। मैंने मना किया था ना? हाँ हाँ कहा था। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने मेरे को धमकी दे दी, अगर आज शाम तूने हमारे साथ पार्टी शार्टी नहीं करनी ना तो आज कल मुझे फोन ना करना। अरे और मैंने भी नहीं फंस जाऊंगा यार, मैं सीरियसली कह रहा हूं, क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे मेरी गल, प्लीज यार। ओए सोढ़ी, 8:30 तक आ जाए वरना साडी ते तुम्हारी दोस्ती हमेशा लिए खत्म। बोला था कि नहीं? हाँ हाँ सुना सुना सोनिया। अरे मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, बताया, मनाने की कोशिश की, और ये दोनों मेरी कुछ सुन ही नहीं रहे थे, पर एक ही बात पे अटक गए कि अगर तू आज पार्टी शार्टी पे नहीं आया तो तेरे साथ दोस्ती खत्म खत्म खत्म। सुनिए, उसके बाद मैंने पीड़ू से बात करने का सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पहले पीड़ू का भी फोन आया था और उसने मुझे कहा था कि आज अगर तू मेरे घर पर खाने पे नहीं आया तो तेरे साथ मेरी दोस्ती खत्म। पीड़ू, तूने ऐसा बोला था ना? बेशक बोला था, और बोलूंगा ही ना छोड़ी। अरे माधवी ने कितनी मेहनत से खाना बनाया था, मैंने अपने हाथों से मटर छिले थे, तुम्हें मटर पनीर पसंद है इसलिए, लेकिन तुम्हें तुम्हें पार्टी शार्टी के सामने कुछ दिखता ही नहीं है ना, मेरी और माधवी की पूरी मेहनत वेस्ट गई। मेरे मास्टर,
मेहनत कहाँ वेस्ट हुई, मैंने और कोमल ने पेट भर के खाना खाया ना। हाँ आती भाई, लेकिन सोडी ने तो नहीं खाया ना, जिसके लिए खाना बनाया उसने नहीं खाया ना। सोडी, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, माधवी का, रोशन भाभी का, पूरे गोकुनाम सोसाइटी का भरोसा तोड़ा। नहीं पिडू, मैंने तेरा भरोसा नहीं तोड़ा। अरे मैं तो तेरी दोस्ती और बल्लू जीते की दोस्ती के बीच में फंस गया था यार, धर्म संकट में था, क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए मैं जेठा प्रा के पास गया कि मेरा इतना बड़ा टेंशन है, इसको दूर करो, मुझे कुछ आइडिया दो। हाँ, और जेठिया ने तुझे पेट दर्द का नाटक करने का आइडिया दिया है ना। हाँ चाचा जी, हमने सोचा ये बहाना करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं घर चला जाऊंगा और फिर चुपचाप वहां से निकल के पार्टी शार्टी के लिए चला जाऊंगा। पिडू भी खुश, माधवी बहनी भी खुश, सब लोग खुश, और ऐसा हुआ नहीं। पेट दर्द का नाटक करते करते अपनी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इकट्ठी हो गई, प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया, मैं और जेठा पर आप फंसते ही चले गए। फिर हाथी भाई को बुलाने की बात आई, हमने सोचा हम हाथी भाई को भी अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। हाथी भाई को सब सच बता के हमने मना लिया और वो भी दोस्ती के लिए मान गए। सब कुछ सही चल रहा था रोशन डार्लिंग, मैं और पोपू प्रेजेंट। कैसे भी करके यहाँ पर पहुंच गए। सुनिए, दोस्तों के बीच में मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ था, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि मैं पिडू को भी नाराज नहीं करना चाहता था और बल्लू जीते को भी। नाटक नहीं करता तो क्या करता सोनिए। रोशन, मुझे तो अभी भी जो तू बोल रहा है ना, आई बडू नाटक लागे छे। हाँ तू बहाने मार रहा है, तुझे पार्टी शार्टी करनी थी इसलिए तूने ये सब नाटक किया। नहीं सोनिए, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी थी, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को मिलना था। अच्छा, सिर्फ मिलना था? हाँ। तू ऐसे ही मिल लेता, लेकिन नहीं, तुझे ऐसे मजा किधर आता है। रोशन, ये डर पड़े हुए ग्लास और बॉटल बता रही है कि तुझे ना पार्टी शार्टी करने का बहाना चाहिए। मैं तुझे बरोबर समझ गई, तूने सबका दिल दुखाया, सबसे झूठ बोला है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं सोनिया, रुक प्लीज रुक। क्यों रुकू? अब तू रहे अपने दोस्तों के साथ, कर जितनी पार्टी शार्टी करनी है तुझे, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी, अब मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी। मैं चली अपनी मायके। सोनिए, मैंने शराब पी नहीं है, पी नहीं है। क्या? सोडी क्या बोल रहा है, तू तो झूम रहा था हमारे साथ। ओ यारो, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी शार्टी करने के लिए पेट दर्द का नाटक कर सकता हूं, तो क्या मैं पार्टी शार्टी का नाटक नहीं कर सकता? रोशन, मैंने सच में रब जी की सौ शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती, तू एक झूठ छुपाने के लिए और मुझे मनाने के लिए और झूठ बोल रहा है। नहीं रोशन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं, और मैं अपना सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ओए सुनिए, तेरे को ब्लड टेस्ट करवाना, क्या कराना है बोल, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं।
और मैंने शराब नहीं पी है, नहीं पी है, नहीं पी है। मैं साबित करके बताता हूं कि मैंने सच में नहीं पी है। देखो प्रा, देखो कोई है पिरो, देख रोशन डाली, तू सुन, कहीं से भी कोई बदबू आ रही है शराब की, मैंने नहीं पी है। बोल भाभी, लगता है सोडी भाई के हिस्से की शराब भी अपने पोपट भाई पी गए हैं। थैंक यू। रोशन भाभी, मेरे को लगता है सोडी सच बोल रहा है। लगता क्या, यही सच है। हाँ नहीं नहीं रोशन भाभी, सोडी ने पार्टी शार्टी तो नहीं की है। कैसे करता मैं पार्टी शार्टी पीड़ू, माधवी बहनी ने कितनी मेहनत से मेरे लिए खाना बनाया था। और पीड़ू तेरा प्यार, मैं इधर जब गिलास भर रहा था ना, मेरे से नहीं हुआ, उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। माधवी बहनी कितने उत्साह से मेरे लिए कितना कुछ बना रही थी, और पिड़ू तू भी कितना उत्साहित था, तुम्हें कैसे पार्टी शार्टी करता। अगर आज मैं पार्टी शार्टी कर लेता तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इसीलिए पार्टी शार्टी के नाम पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वो कमाल है, तुमने तो हमको पता भी नहीं चलने दिया। कमाल के एक्टर है सोडी भाई। ग्रेट बल्लू, जीते मेरे लिए तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, ये शराब नहीं। वाह वाह सोडी मेरे शेर, तूने तो आखिरी बॉल पे चौका मार दिया। मेहता साहब, नहीं नहीं जेठालाल चौका नहीं मारा, सोडी ने छक्का मार दिया। क्या बात है सोडी, तुमने वो कर दिखाया जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था भाई। बिल्कुल नहीं, सही बात है। वाह दोस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। रोशन डार्लिंग, मैं सबको खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। पर अगर तुझे लगता है मैंने गलती की है, ये ले हॉकी स्टिक और जितना मारना है मुझे मार। जब तूने कोई गलती नहीं की तो फिर सजा कैसी? अब कहाँ गया आपका माइका? मेरा माइका? अरे आप रोशन बोला था ना, नहीं ऐसा होगा। I'm sorry रोशन, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं सोनिया, जहाँ प्यार होता है वहाँ सॉरी नहीं होती। जीते बल्लू, भले ही मैंने पार्टी शार्टी नहीं की पर दोस्तों के साथ मजे बहुत किए। अरे भाई, पुराने दोस्तों के साथ महफिल जमानी है तो यादों की महफिल जमाओ, पुरानी बातों की महफिल जमाओ, उसके लिए पार्टी शार्टी करने की क्या जरूरत। ए पोपटिया, समझा कि नहीं? यस अंकल चंपक चाचा, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं भाई, तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्या नहीं बापू जी, जरा समझो, अभी राजा पार्ट में है, उसको अभी कुछ भी बोल के फायदा नहीं है, छोड़ो। ये देखो दुनिया हिलाने वाला आज खुद हिल गया है। और भाई बल्लू जीते, जब तुम्हारा दोस्त पार्टी शार्टी करने के लिए मना कर रहा है तो उससे जबरदस्ती पार्टी शार्टी करवाते हो। अरे भाई, तुम लोगों की दोस्ती क्या इतनी कमजोर है जो छोटी सी पार्टी शार्टी ना करने पर टूट जाए। सॉरी चाचा जी, हम भावना में बह गए थे। चाचा जी सॉरी, सॉरी। हाँ ठीक है बापू जी, मैं भी सॉरी हूँ, लगे मुझे भी माफ कर दीजिए और मेहता साहब को भी माफ कर दीजिए। अरे भाई मुझे क्यों माफ कर दीजिए, मेरी क्या गलती है जेठालाल? क्यों भाई, तेरी क्यों गलती नहीं है, तू भी तो नाटक में शामिल था ना। हाँ तारक, गलती आपकी भी है। नहीं नहीं चाचा जी, मेरा स्टैंड तो शुरू से ही क्लियर है, जब
जेठालाल ने मुझे कहा, मैंने कहा थर्ड क्लास आइडिया, ये आइडिया ही थर्ड क्लास है, चलने वाला ही नहीं है, मैं तो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहता था। आपने देखा नहीं, ऊपर से जब ये लोग मुझे पकड़े हुए थे मैं घर जा रहा था, भाग रहा था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुझे इस नाटक में शामिल किया। लेकिन तू शामिल हुआ ना? हाँ, सॉरी बोल देना भाई, अब भी क्या पकिया जैसा कर रहे हैं। ये पकिया कौन है? अरे है एक मेरा दोस्त, वो कुछ भी गलती कर लेके सॉरी बोलते ही नहीं है। ऐसा बोल दो, आप सॉरी बोल दो। ठीक है सॉरी। चाचा जी मैं भी सॉरी हूँ। चाचा जी, मिडू, माधवी भाभी और मेरे प्यारे गोकुल धाम वालों, आप सभी को दिल से सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। माफ किया, लेकिन हाँ सब लोग सुन लो एक बार, अभी के लिए तो सबको माफी मिल गई है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं होगा चाचा जी, वो कभी नहीं होगा। बबीता जी, आपने सोसाइटी में कहा था कि मैंने जो किया गलत किया। हाँ? लेकिन अभी तो आपको पता चल गया ना कि मैंने जो कुछ किया मेरी दोस्ती के लिए किया, क्योंकि मेरा क्या है कि दोस्त की तपलिक अपनी तपलिक। हाँ जेठा जी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो भी सब अंडरस्टैंड हो गया तो करते हैं पार्टी शार्टी। अरे पूरी गलते सुनो, करते हैं पार्टी शार्टी पंगड़े की। बेटा पोपड़ को संभाल के घर छोड़ के आओ। जी जी बापू जी जी। नहीं, एक्सक्यूज मी, कनाडा आ गया? हाँ कनाडा आ गया, और हम लोग अभी ओटावा में हैं। ओटावा कनाडा यूपी में है। ये पापड़ लाल को आज ओवर लिमिट हो गया है। अरे अय्यर, मैं बेचारे पोपू की कोई गलती नहीं है, वो मैंने जीते को कहा था वो कनाडा में, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखना, और जीते ने भी बोला और पप्पू के लिए एक बहुत बढ़िया कनाडा में लड़की देखूंगा, कनाडा में ही शादी कराऊंगा। ये सुन के पप्पू इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, पार्टी शार्टी थोड़ी ज्यादा हो गई। मुझे लगता है पूरा कम पूरी बोतल पी गया होगा वो। काय पोपट भाऊजी के लिए यही खुशी है कि उनकी शादी हो, नहीं का? कोमल भाभी, बेचारे पोपट भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हाँ, फुल नशे में। बेटिया, आज बहुत मजा आया है ना? क्या मजा क्या आया आपको? बापूजी हॉकी लेके मेरे पीछे दौड़े, उसमें आपको मजा आ गया? रोशन भाभी सोढ़ी के पीछे हॉकी लेके दौड़े, उसमें आपको मजा आ गया? माधवी भाभी ने इतनी मेहनत से सोढ़ी के लिए इतना सारा खाना बनाया, वो खा नहीं पाया, उसमें आपको मजा आ गया? अरे एक बेचारा मासूम कुंवारा अपना होश खो बैठा है, उसमें आपको मजा आ गया? अरे नहीं नहीं जयडालाल, मैं इसके लिए नहीं बोला, वो आज सोढ़ी के फ्रेंड के घर पर हम सब लोगों ने जो पांगड़ा किया ना, मैं उसके लिए बोला कि उसमें बहुत मजा आया, मैं ऐसे बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप कह रहे थे? हाँ। पाने ने उसमें तो मुझे भी मजा आया। अरे जेठालाल यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है, इधर देखो। अरे हाँ हाँ हाँ,
सॉरी सॉरी अरे ये दोनों नहीं संभाल पाएंगे, एक दो जन जाओ और चलो भाई चलो, हम सब अपने अपने घर चलते। गुड नाइट। क्या से क्या हो गया? चलो अब संभालना। भाई वाह, छोटी की पार्टी शादी की कहानी में ये प्यार भरा मोड़ चला आएगा ये तो किसी ने सोचा है, लेकिन आया। इतने सारी मस्ती, इतने सारे धमाल, इतने सारे हंगामे और इतनी सारी भाग दौड़ के बाद हमें ये पता चला कि सोढ़ी ने पार्टी शादी तो की नहीं। भाई भिड़े और माधवी भाई के प्यार और दुलार को ध्यान में रखते हुए सोढ़ी ने सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया और हम लोग बच गए। मैं, जेठालाल, डॉक्टर हंसराज हाथी तीनों बच गए, वरना मुसीबत तो आ ही गई। लेकिन बच्चे सोढ़ी की समझदारी की वजह से। अगर सोढ़ी ने इस परिस्थिति में ये समझदारी से काम न लिया होता तो शायद हम लोग नहीं बचते। जिंदगी में भी कई बार ऐसे दौर आते हैं, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को संतुलन बिठाना चाहिए दिल और दिमाग के बीच में, जो सोढ़ी ने किया। कितनी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में यदि आप समझदारी से काम लेंगे, बुद्धिमता से काम लेंगे, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाएंगे तो रास्ता निकाल ही लेंगे। वरना अगर ऐसे में आदमी भावना में बह जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे पोपटलाल भावना में बह गए और कितने तर बतर हो गए। लेकिन पोपटलाल भी क्या करे, जब भी शादी की बात चलती है वो सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। यही हुआ पोपटलाल के साथ। लेकिन इस वक्त हम लोगों को पोपटलाल को घर छोड़ने जाना पड़ रहा है, हम घर छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आपके घरों से हंसी कहीं नहीं जाएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.